दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस राज्य के लोग हो जाएं अलर्ट, दो दिन तक भारी बारिश, जाने अपने शहर का हाल। तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, कहाँ कहाँ बारिश होगी और कहाँ कहाँ मौसम सुहाना होने वाला है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और मौसम से ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। आप कमेंट करके बताएं आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। दिल्ली NCR में बारिश का लुका छुपी खेल खेला जा रहा है, यहाँ रुक रुक कर बारिश हुई सिलसिला जारी है। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाके तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 2 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। IMD ने कहा है कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में गरज के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई को मध्य बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार में 2 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 2 अगस्त के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई। भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज होने की संभावना है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानो तो 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। यूपी में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा में गरज के साथ 1-2 बार बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।